गुजारिश है आपसे आह्वान करता हूँ, स्वलिखित भावनाओं का सम्मान करता हूँ। माँ वैष्णवी वागेश्वरी को नमन करता हूँ और यहाँ पर उपस्थित सभी श्रोतागण, मेरे प्यारे लेखकगण एवं आदरणीय विशेष अतिथिगण को प्रणाम करता हूँ। जी, मेरा नाम गौरव प्रसाद सिंह है और जो रचना मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, यह हमारे भारत के वीर जवानों के जीवन कहानी की एक छोटी सी झलक है। और इससे पहले कि ये कविता मैं आप लोगों के सामने सुनाऊँ, चार लाइनें आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। देखिएगा कि जख्म जख्म है वहाँ, दर्द कहीं और है। जख्म है वहाँ, दर्द कहीं और है। हिंद जन के महफिल से निकलते कई सूर हैं। कहते हैं देशभक्त हैं, देश प्रेम सिखलाएंगे और फिर आतंकवाद से मिलते कहीं और है। गुस्ताखी के लिए माफी चाहूंगा। अभी जो कविता मैं आप लोगों के सामने सुनाने जा रहा हूं उसका शीर्षक है सिपाही। और इस कविता में एक शब्द आएगा, शल्य क्रियात्मक हमला, जिसका मतलब होता है सर्जिकल स्ट्राइक। तो आप सबों का मन चाहूंगा, प्रमाण पत्र जो बट रहे हैं देशभक्ति के जुमले पर, कौन है ये जो सबूत मांग रहे हैं शल्य क्रियात्मक हमले पर। देशद्रोह के नारे लग रहे सरस्वती के प्रांगण में, रक्त उबलता जब यह होता भारत माँ के आंगन में। मैं सिपाही हिंद देश का, सुना रहा अपना जीवन, वतन ही जीवन वतन खुदा है कहता है पलंतर। वतन ही जीवन वतन खुदा है कहता है पलंतर। मेरा जीवन क्या मैं बताऊं, सरहद पर कैसा रहता, गोली तोपों की बारिश पर सांसों पर खतरा रहता। भय नहीं मुझे मृत्यु का है, अरे सूर्य पुत्र भी शीश झुकाता, भारत माँ का वीर सपूत हूँ इतना सुनकर जब वो आता, भारत माँ का वीर सपूत हूँ इतना सुनकर जब वो आता। इस 15 अगस्त को रक्षाबंधन है, तो देखेगा कि एक सिपाही के जीवन में उनकी बहन की क्या भूमिका होती है। राखी खोले बहना बोली वचन से मुक्त तुम्हें करती हूँ, भय मुक्त तुम धर्म निभाओ बस इतना साहस भरती हूँ, माता पिता के व्रत फलित तुम सार्य पुत्र तुम अग्रज हो, जाओ करो संहार शत्रु का शेर हिंद के वंशज हो, जाओ। एक सिपाही के जीवन में उनकी अर्धांगिनी की क्या भूमिका होती है, उनका जीवन कैसा होता है, देखिएगा कि विरह वियोगी बनकर गुजरे जीवन जैसे अबला नारी। नाथ मेरे तुम रक्षक सबके, पूर्ण करो अब विनती हमारी, आंचल मेला ना होने पावे भारत माँ के दामन का, चाहे आंचल धूमिल होवे उजरे मांग सुहागन का, चाहे आंचल धूमिल होवे उजरे मांग सुहागन का। एक सिपाही के जीवन में उनके माता पिता की क्या भूमिका होती है, नमन है माता पिता को जिन्होंने मुझको यह संस्कार दिया, मातृभूमि पर प्राण निछावर जन्म मेरा उद्धार किया, वृद्ध अवस्था की लाठी का निःस्वार्थ बलिदान दिया, रक्त वो अपना अंश वो अपना भारत माँ को दान दिया, रक्त वो अपना अंश वो अपना भारत। कसम मुझे है पुत्र धर्म का, माँ पर आँच ना आने दूंगा, सांस रुके कर रुक भी जाए तिरंगा नहीं मैं झुकने दूंगा, भारत माँ पर आंख उठे तो आंख निकाल मैं दफन करूंगा, शत्रु बन चाहे काल भी आए वही शत्रु का हवन करूंगा। गर्व है गर मैं शहीद हुआ तो काल नयन में गंगा है, मातृभूमि की गोद में लिपटा ओढ़ा कफन तिरंगा। अभी
पिछले दिनों जब कश्मीर से धारा 370 हटी तो कश्मीर भारत से क्या कह रही होगी देखिएगा। ए मेरे वतन मेरे दिल के चमन, ए मेरे वतन मेरे दिल के चमन, मेरी तुझसे है पहचान, तुझे सत सत करूं प्रणाम, तुझे सत सत करूं प्रणाम, नस नस में मेरे तू है प्रवाहित, कन कन में है तेरा मान, तुझे सत सत करूं प्रणाम, तुझे सत सत करूं प्रणाम, था अंश में तेरा, था अंश में तेरा, जन्नत तेरी फिर क्यों दूजी पहचान, तुझे सत सत करूं प्रणाम, तुझे सत सत करूं प्रणाम, अपने घर का था मैं मुसाफिर, भटका मैं सुबह शाम, तुझे सत सत करूं प्रणाम, तुझे सत सत करूं प्रणाम, श्लोक कहीं गूंजे कहीं गूंजे, गुरुवाणी और अजान, तुझे सत सत करूं प्रणाम, तुझे सत सत करूं प्रणाम, इस पल को ललायत था मैं कब से, पूर्ण हुआ वरदान, तुझे सत सत करूं प्रणाम, तुझे सत सत करूं प्रणाम, ना पत्थर की वर्षा होगी ना आतंकित होगा यह धाम, तुझे सत सत करूं प्रणाम, तुझे सत सत करूं प्रणाम, धन्य हुआ मैं तुझ में होकर, मिल गई मुझको नई पहचान, तुझे सत सत करूं प्रणाम, तुझे सत सत करूं प्रणाम, तेरी असमत की रक्षा की खातिर कर खुद को मैं कुर्बान, तुझे सत सत करूं प्रणाम, तुझे सत सत करूं प्रणाम, ध्वज तिरंगा है लहराया अंबर का है फरमान, तुझे सत सत करूं प्रणाम, तुझे सत सत करूं प्रणाम, ए मेरे वतन मेरे दिल के चमन, मेरी तुझसे है पहचान, तुझे सत सत करूं प्रणाम, तुझे सत सत करूं प्रणाम, जय हिंद भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे मातरम। इसी के साथ मैं जेपीएस वाणी को विराम देना चाहूंगा, धन्यवाद।